तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसी भी QR कोड को स्कैन कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी QR कोड को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी QR कोड को स्कैन करना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ किसी भी QR कोड को क्रिएट करना भी सीख जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि QR कोड को स्कैन करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो QR कोड को स्कैन करने के दो फायदे हैं। पहला कि आप इस QR कोड को स्कैन करके किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को जान सकते हैं, यानी कि आप जिस भी प्रोडक्ट या फिर वो डॉक्यूमेंट हो गया या फिर प्रोडक्ट हो गया उसको स्कैन करके आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। और साथ ही साथ QR कोड के पीछे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, आप उस QR कोड को स्कैन करके उस इन्फॉर्मेशन को भी रीड कर सकते हैं। तो ये हुआ QR कोड को स्कैन करने का फ़ायदा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस QR कोड को स्कैन कैसे किया जाता है। तो QR कोड को स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आप इसके लिए सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए एंड प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है QR कोड स्कैनर। सो आप सिंपली यहाँ पर QR कोड स्कैनर टाइप करके सर्च कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल रही होगी। सो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है 5th नंबर पर QR एंड बार कोड रीडर। सो इस एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए, इसका नेम आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए एंड ये जो एप्लीकेशन है QR एंड बार कोड रीडर, आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास अभी ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद आपके सामने में आपका कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि स्कैन का है, सेकेंड नंबर पे है, क्रिएट का है और भी कुछ ऑप्शन है, बट यहाँ पर मेनली यही दो ऑप्शन है, यानी कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और सेकेंड वाला जो क्रिएट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप किसी भी QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जो स्कैन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी QR कोड को स्कैन करने के लिए दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर किसी भी QR कोड को अपने कैमरा के आगे में रख के इसको स्कैन कर सकते हैं और सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है यानी कि स्कैन इमेज का, सो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो भी QR कोड है, अगर वो QR कोड आपके फोटो गैलरी में रखा हुआ है तो आप इस स्कैन इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली जो स्कैन इमेज का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपकी फोटो गैलरी में वो QR कोड जहाँ भी रखा हुआ है, आप जिस भी QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं आप सिंपली उस QR कोड पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पर वो QR कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो मैं यहाँ पर इस कोड पर टैप कर देता हूँ। सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड आ चुका है एंड इसके बाद सबसे ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर में एक राइट का आइकन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर लिया गया है और इस QR कोड के पीछे में एक इन्फॉर्मेशन था, वो है हाउ आर यू, बस यही इन्फॉर्मेशन था। एंड इसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है व्यू कोड का, सो इस व्यू कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस QR कोड को देख भी सकते हैं। तो चलिए ये तो तरीका हो गया आपको यहाँ पर किसी भी QR कोड को जो कि आपके गैलरी में रखा हुआ है उसको स्कैन करने का तरीका। तो अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्कैन का ऑप्शन है सबसे ऊपर में, आप सिंपली स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो इस कैमरा के आगे में आपको यहां पर जिस भी प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट या फिर जिस भी QR कोड को स्कैन करवाना है आप सिंपली उस QR कोड को इसके सामने में रख दीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट है उसके QR कोड को स्कैन करने के लिए इस कैमरा के आगे में रख दिया एंड इसने तुरंत ही कुछ ही सेकेंड में इस QR कोड को स्कैन कर लिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला फर्स्ट में एक लिंक यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, सेकंड में व्यू QR कोड एंड थर्ड है ओपन वेबसाइट। सो मैं यहां पर ये जो लिंक है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं एंड इसके बाद इस ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है जो कि कोलगेट स्माइल क्लब का है, यानी कि इस QR कोड के पीछे में यही इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ था। और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने में एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये जो वेबसाइट है ये कोलगेट स्माइल क्लब का है, जो कि ये प्रोडक्ट कोलगेट का ही था जिसकी वजह से कोलगेट स्माइल क्लब का वेबसाइट ओपन हो चुका है। सो ये इस बात का प्रूफ है कि ये जो वेबसाइट है ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही है, अगर ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट होता तो ऐसे में ये QR कोड वर्क नहीं करता। सो वापस से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है व्यू कोड का। सो अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो QR कोड है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो डाउनलोड करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन है PNG का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद एक ऑप्शन है सी ऑल का, सो आप सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर
एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, वो है सेव टू ड्राइव का। सो आप सिंपली इस सेव टू ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद ये जो क्यूआर कोड है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाएगा। तो ये तो हुआ किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने का तरीका। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप किसी भी क्यूआर कोड को जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है क्रिएट का। सो आप सिंपली इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन है मोर क्यूआर कोड का। सो आप सिंपली इस मोर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां से चार तरीके के क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट का, सेकंड है यहाँ पर ईमेल, थर्ड है एसएमएस और फोर्थ है ऐप। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ऐप का क्यूआर कोड बनाकर दिखाता हूं। तो आप यहां पर सिंपली ये जो ऐप का ऑप्शन है आप इस पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर में कुछ भी आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर लेना है जिस भी एप्लीकेशन का आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर ये जो अमेजन का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं इस अमेजन का क्यूआर कोड बनाना चाहता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो अमेजन का ऑप्शन है मैं इस पर टैप कर देता हूँ। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेजोन के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। सो सिंपली मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है पीएनजी का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है सेव फाइल का। सो आप सिंपली यहाँ पर सेव फाइल वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद राइट साइड के कॉर्नर में एक सही का आइकन, आप सिंपली जो राइट का आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक और क्यूआर कोड जनरेट करके दिखा देता हूँ, वो होगा टेक्स्ट का। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का आप यहां पर देख रहे हैं सबसे ऊपर में यहां पर इस टेक्स्ट का ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और इसके बाद आपको यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिख देना है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट क्यूआर कोड के पीछे में देना चाहते हैं, जो भी आप क्यूआर कोड के पीछे में जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं उस मैसेज को आप यहां पर टाइप कर दीजिए। सो मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा मैसेज डाल देता हूं, हेलो हाउ आर यू। सो मैं यहां पर एक मैसेज डाल दिया हूं एंड इसके बाद ये जो राइट का आइकन है कॉर्नर में आप सिंपली इस राइट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद ये जो क्यूआर कोड है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड डाउनलोड करने के लिए जो पीएनजी का ऑप्शन है आप इस पर टाइप कर दीजिए एंड इसके बाद सबसे ऊपर में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सेव टू फाइल का। और अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे में सिंपली ये जो सी ऑल का ऑप्शन है आप इस पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद ये जो सेव टू फाइल का ऑप्शन है सेव फाइल का आप सिंपली इस पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद ये क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने जो क्यूआर कोड बनाया है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली ऊपर में जो स्कैन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है स्कैन इमेज का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी क्यूआर कोड बनाया था वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो क्यूआर कोड है इस पर टैप कर देता हूँ जो कि हमने सबसे पहले बनाया था एंड इसके बाद ये जो राइट का आइकन है आप इस पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद आपके सामने एक लिंक आ चुका है। सो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सामने में प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और यहां पर एक एप्लीकेशन है जो कि अमेजोन का है, क्योंकि हमने सबसे पहले अमेजोन के लिए एक एप्लीकेशन का लिंक क्रिएट किया था, इसी वजह से अमेजोन का एप्लीकेशन हमारे सामने में ओपन हो चुका है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर का जो क्यूआर कोड है जो हमने बाद में बनाया था उसको भी एक बार स्कैन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद ये जो स्कैन इमेज का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंपली स्कैन इमेज वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद जो पहला नंबर पे एक क्यूआर कोड है हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड इसके बाद ये जो राइट का आइकन है राइट साइड के कॉर्नर आप इस पर टैप कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक मैसेज यहां पर शो हो रहा है वो है हेलो हाउ आर यू, जो कि हमने सेकंड नंबर पे यही क्यूआर कोड बनाया था और इसके पीछे में हमने यही इन्फॉर्मेशन दिया था जिसकी वजह से यह इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यहां पर किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।